आम आदमी पार्टी नई दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में वादे और दावे कर रही है वो आने वाले कल में सही होंगे? क्योंकि वादे और दावे के पीछे एक और बात है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने पार्लियामेंट में 370 और 35A को वोट किया था जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए। ऐसे में सवाल बनता है, क्या आम आदमी पार्टी 370 और 35A को वापस लाएगी जम्मू कश्मीर के लिए, और क्या आम आदमी पार्टी स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देगी? जो 370 और 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मान और सम्मान था, उस 370 और 35A को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तो क्या आपको लगता है ऐसे में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करेगी? शाह फैसल की पार्टी भी जम्मू कश्मीर में आई थी और इसके बाद बहुत सारे र्यूमर्स स्पेकुलेशन ये चले कि शाह फैसल को बीजेपी ने खड़ा किया ताकि वो वोट डिवाइड करे। क्या आपको लगता है इसी तरह आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी ने खड़ा किया है वोट डिवाइड करने के लिए? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले कल में शायद हमें मिल जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार आए, जिस सरकार को जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और अपनी जो परेशानियाँ हैं, अपने जो दुख है गम है वो बताएं और वो सरकार जो है उन परेशानियों का समाधान बताए। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का राज कर रहे हैं और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है जिनकी सरकार दिल्ली में है, ऐसे में जो है अभी भी जम्मू कश्मीर में भाजपा को चुनी हुई सरकार का दर्जा दिया जाता है। ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है? अगर कोई भी काम होता है या कोई भी पॉलिसी होती है उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में मांग की जाती है रोल बैक की, लेकिन भाजपा को जिम्मेवार ठहराया जाता है। ऐसे में माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो भाजपा के ही चुने हुए गवर्नर यहाँ पे हैं, या जो भी जम्मू कश्मीर गवर्नर आता है उसको पहले भाजपा दिल्ली में बैठना पड़ता है, वहाँ मुलाकात करनी पड़ती है और वहीं से जो है गवर्नर चुन के जम्मू कश्मीर लाया जाता है। और इसी कारण आज भी जम्मू कश्मीर की भाजपा को चुनी हुई सरकार का रुतबा दिया जाता है, चुनी हुई सरकार माना जाता है, चुनी हुई पार्टी माना जाता है। कोई भी जलसा हो, कोई भी एहतजाज हो, बीजेपी के ऑफिस के बाहर होता है और ये साफ साफ दर्शाता है कि नई दिल्ली के इशारों पर जम्मू कश्मीर को चलाया जाता है। और ये लोग भी समझ चुके हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर अगर जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग एक ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में आज भी भाजपा की चलती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, उसके हिसाब लगा के हम अब तक एक बात पहुंचा रहे हैं। अब बात है आम आदमी पार्टी की, जहां पे भाजपा को टक्कर देने वाली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जम्मू कश्मीर में। और रीजनल पार्टीज़ की बात करें या नेशनल पार्टीज़ की बात करें, नेशनल पार्टी में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी जो भाजपा को टक्कर दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुस्तान में अपना वजूद जो है खुद कमज़ोर कर लिया और कांग्रेस में लगातार उंगलियां उठ रही हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में आपसी जो रंजिश है, आपसी दुश्मनियां हैं पार्टियों में। जम्मू कश्मीर में देखेंगे आप किस तरह जो है आज़ाद साहब आते हैं और जीएमआर की पार्टी एक तरफ, कांग्रेस और आज़ाद की कांग्रेस दूसरी तरफ, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के बाहर नई दिल्ली की बात की जाए, कांग्रेस में दो गुट हैं। और इसी के चलते हुए जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज़ की बात की जाए, लगातार जिस तरह पीडीपी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी भाजपा के साथ, जब भाजपा और पीडीपी की अलायंस टूटी तो उसके बाद पीडीपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रो कश्मीरी पार्टी चली। लगातार आज भी पीडीपी कश्मीर घाटी में काम कर रही है, वो प्रो कश्मीर बोली बोलती है। और ऐसे में लोग किस पे भरोसा करें, जो पार्टी 2014 से पहले भाजपा के साथ जुड़ी थी और भाजपा की तरह बातें कर रही थी और भाजपा की ही तरह आइडियोलॉजी अपना रही थी। और ऐसे में जब कोलिशन टूटी और भाजपा ने पीडीपी को अपने से अलग कर दिया, घाटी में जाके पीडीपी अब कश्मीरों की बात कर रही है। ऐसे में एक पार्टी उभर के सामने आई, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के बाद पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने जीता और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर का रुख किया और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत नवाज़ा, बहुत वेलकम किया और जम्मू कश्मीर के लोगों ने आम आदमी पार्टी में कोई ऐसी चीज़ देखी कि उन्हें उम्मीद नज़र आई कि अब शायद आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का मसला हल करेगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी कि क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगी, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी जिस आम आदमी पार्टी ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के लिए पार्लियामेंट में वोट किया था
कि ये सही है आर्टिकल 370 और 35A को हटाना चाहिए जम्मू कश्मीर से, और क्या वही आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए काम करेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी। ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले टाइम में देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का रोड मैप जम्मू कश्मीर में क्या है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ गई, और इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ बताती हैं और इलेक्शन के बाद कुछ करते हैं, यानी कि करनी और कथनी में बहुत सारा फ़र्क रहता है। तो वैसे में क्या आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है, किस तरह जम्मू कश्मीर में वो काम करेगी और कौन सा उनका CM कैंडिडेट होगा जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आम आदमी पार्टी को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है। क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी स्टेटहुड को रिस्टोर करेगी? क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जब जम्मू कश्मीर आएगी तो कश्मीर घाटी के लोग या जम्मू के लोग जो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A हमें वापस मिलना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी उन्हें आर्टिकल 370 और 35A वापस दिलवाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में बैठते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी ये सब बातें जम्मू कश्मीर की संसद में उठाएगी, बात करेगी और उनके हक के लिए लड़ेगी जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने वोट दिया था कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्या उस आर्टिकल 370 को वापस लाने की मांग भी आम आदमी पार्टी करेगी? ये सवाल आते हैं। और आपको बता दूं, मैं आज लगभग 800 लोगों ने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ज्वाइन किया, जिसमें बड़े कदावर नेता लोग थे और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे कांग्रेस के बताया जा रहा है श्रीनगर से लगभग 20 से 22 कॉरपोरेटर जो है उनने भी ज्वाइन किया। तो लगातार पार्टी से लोग निकल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाले होंगे, यानी कि इलेक्शंस का जल्दी ऐलान होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी किसको क्या मैंडेट देगी? लोग तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इस खुशी से कि आगे उन्हें मैंडेट दिया जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी जब इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट को चुनेगी, क्या उन सब कैंडिडेट्स को मैंडेट देगी जो लोग वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, या क्या कुछ होगा, ये भी आगे आने वाले वक्त बताए। लेकिन फ़िलहाल भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि भाजपा की टक्कर की पार्टी अगर कोई जम्मू कश्मीर में उभर के सामने आ रही है, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया में ये तमाम फ़ोटो या तमाम खबरें गर्दिश कर रही हैं, या जितनी भी तमाम रूमर्स स्पेकुलेशंस हैं आम आदमी पार्टी को लेके, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि BJP की जो है नींद हराम करने वाली पार्टी है और आने वाले इलेक्शंस में शायद भाजपा को बहुत बड़ी टक्कर देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। और ऐसे में कुछ और बातें याद दिलाने वाले हैं, कुछ और बातें आपको हम याद दिलाएं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर बनी और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जन्म लिया, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बोली, लेकिन आखिर में हुआ कुछ नहीं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की तरह एक पार्टी जम्मू कश्मीर में बनी जो शाह फैसल IAS टॉपर थे, उन्होंने बनाई। शाह फैसल ने जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में शुरू की और तमाम यूथ जो है जम्मू कश्मीर का वो उनसे इंस्पायर हुआ और शाह फैसल ने ये नारा लगाया अब जम्मू कश्मीर की हवा बदलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की हवा बदलते बदलते शाह फैसल खुद बदल गए और आज शाह फैसल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई किसी को खबर नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं घटती हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बाद में जनता को धोखा देके चले जाते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जब जम्मू कश्मीर में आएगी तो क्या इस सपने से आएगी कि जो आज आम आदमी पार्टी बातें कर रही हैं वो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में सही साबित होंगी? जैसे मैंने आपको कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और बन के वो लोग चले भी गए, हवा बदलने की कोशिश हो रही थी लेकिन वो लोग खुद बदल गए। और जिस टाइम शाह फैसल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ चलाई, ये बातें कहीं, ये र्यूमर्स चले, स्पेकुलेशंस कि शाह फैसल को प्रॉक्सी पार्टी खड़ा कर दिया गया ताकि वो मुस्लिम वोट काटे कश्मीर में, और शाह फैसल को इसीलिए इस्तेमाल किया गया। और उसी तरह अब एक हवा और चल पड़ी है कि केजरीवाल की पार्टी जब जम्मू कश्मीर में आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ BJP की चाल है जो जम्मू कश्मीर में वोट बैंक काटने की कोशिश कर रही है, वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे BJP को लग रहा है कि वो वहाँ से इलेक्शन हार सकते हैं और वहाँ पे वो लोग आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि वो आम आदमी पार्टी वो वोट डिवाइड करें, और जो BJP को वोट पड़ने हैं वो BJP को वोट पड़ेंगे, या जिन वोटों से BJP को ख़तरा है उन वोटों के लिए आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा
और तमाम जो वोटर्स हैं वो उनमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में जन्म दिया? क्या बीजेपी ही आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर लाने वाली है, या आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से जम्मू कश्मीर में आई है और जम्मू कश्मीर में काम करेगी? आपका क्या कुछ सोच विचार है, क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा।